हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये प्लांट मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये बोगनवेलिया से मैंने निकाला था, आप लोगों को दिखाया था जब मैंने उसकी प्रूनिंग किया था। तो ये बोगनवेलिया के जो गमला था, पॉट था, मतलब उसमें ये अपने आप ही उग गया था। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ उसको भी कहीं शिफ्ट कर देती हूँ। तो इसको शिफ्ट करने के लिए ये मैंने गमला लिया है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लमसम ज़्यादा नहीं, 5 इंच का या 6 इंच का मान लीजिए, ये है लमसम, हाँ छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये उसी गमले में निकला था। तो ये रूट्स हैं, छोटा सा रूट बॉल है इसका, तो मैं इसको प्रून कर दूँगी, थोड़ा सा काट दूँगी और, ताकि ये अच्छी ग्रोथ कर पाए। फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं, मधुमालती का प्लांट है ये और काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग वाला होता है, तो मैं इसको लगाऊंगी। तो थोड़ा सा इसको ऊपर से भी मैं प्रूनिंग कर देती हूँ, इस तरह से काट देंगे इसकी, तो ये और अच्छी ग्रोथ करेगा। अब ये निकाला है तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं गमले में शिफ्ट कर दूंगी छोटे से, उसकी ग्रोथ कुछ ही दिनों में देखेंगे। बहुत इस तरह से इसको कर लेना है। अब ये गमला मैंने लिए, इसमें मिट्टी भर लिया है, तो जो मिट्टी मेरे पास रखी है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, गोबर की खाद मैं ऊपर से डाल दूंगी और थोड़ी सी और भी खाद दे डालूंगी, तो इसको ऐसे ही शिफ्ट कर देना है, इसको रख के, वो देखो गिरा ही जा रहा है, इस तरह से रख देंगे बीच में और इसमें मिट्टी भरेंगे, ये चारों तरफ से मिट्टी डाल देंगे। इस तरह से डाल देंगे, थोड़ी सी जगह मुझे छोड़ देनी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं वर्मी कंपोस्ट डालूंगी और डालूंगी थोड़ा सा पोटाश। एक ये डंडी है देखिए, सीधी सीधी, इसको भी मैं यहाँ से काट दूंगी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको भी मैं डाल दूंगी इसमें, इस तरह से डाल देना है। पोटास है, 1 चम्मच लमसम पोटास डाल देना है, क्योंकि ये फ्लावरिंग वाला प्लांट है तो ये खाद देना बहुत ज़रूरी होता है, अगर है तो डाल दीजिए आपके पास। इस तरह से डाल देना है, ऊपर से एक लेयर मिट्टी और डालनी है, इस तरह से इसको बंद कर देना है। अब ये प्लांट निकल आया तो मैंने फेंकना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा, इसीलिए मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है इसमें। तो ये मैंने लगा दिया, अब इसमें मैं पानी डालूंगी और पानी डाल के इसको ऐसी जगह रखूंगी जहाँ पे हल्की सुबह की सनलाइट मिले अभी, क्योंकि अभी अभी मैंने इसकी रिपोर्टिंग किया है। तो पानी कैसे डालेंगे, थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला के तब इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि पानी डालने का सही तरीका यही होता है कि हल्का सा उसमें फंगीसाइड आप मिला दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज़ें मिलाने के बाद अब इसमें करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये प्लांट हमारा, मैंने रिपोर्टिंग किया है तो इसकी मुझे रूट्स भी अच्छी करनी है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी करनी है, तो उसके लिए मुझे करना क्या है, इसमें थोड़ा सा DAP डालेंगे और DAP कैसी होती है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। DAP कई कलर में आती है, एक ब्राउन आती है, एक जो है मतलब थोड़ा पिस्ता कलर में आती है। तो आज मेरे पास जो DAP है वो मैं आप लोगों को डाल के दिखाऊंगी, इसकी ग्रोथ के लिए डालूंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ये वाली है DAP जो दाने वाली आती है, एक ब्राउन वाली भी आती है। तो एक चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है, उसको ऐसे निकालेंगे और इसको डाल देंगे, ऐसे 1 चम्मच ही डालना है ताकि इसकी ग्रोथ और अच्छी हो सके। इस तरह से डालना है आपको चारों तरफ, और फिर ऊपर से क्या करना है, इसको मिट्टी में ऐसे मिला देना है। ये मैंने इसलिए डाला है ताकि ये ग्रोथ अच्छी कर सके, क्योंकि मैंने इसकी रूट्स की प्रूनिंग किया है और प्लांट की भी किया है, थोड़ा बहुत लंबा था और मुझे लंबा नहीं चाहिए था ज़्यादा, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा प्रून कर दिया। अब इसमें क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और पानी में क्या करूँगी, मैं
थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला देंगे तब डालेंगे। ये सांप का फंगीसाइड पाउडर है, यही मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा डालना है इसमें पानी में, उसको पानी को इसमें डालना है। अच्छा, मधुमालती का जो प्लांट होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो ये प्लांट मेरा एक्स्ट्रा है, ये निकल आया उसमें। तो मुझसे प्लांट फेंके नहीं जाते हैं, क्योंकि जो है बहुत मेहनत से हम लोग प्लांट को तैयार करते हैं। कभी कभी ये समझ लीजिए जो है ऐसे लग जाते हैं, दूसरे गमले में अलग अलग प्लांट लग जाते हैं, अपने आप निकल आते, या कहीं बीज या कटिंग पड़ी होती है तो वो ग्रोथ कर जाती है। तो इस तरह से प्लांट तैयार हो जाते तो बहुत खुशी होती है, और वरना हम लोगों को खुद ही कटिंग लगानी पड़ती है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। और नर्सरी में लेने जाओ तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो प्लांट कहीं भी कैसे भी आए, लेकिन उनको रिपोर्टिंग और उनकी ग्रोथ के लिए उपाय करना चाहिए। तो ये प्लांट मेरा बोगनवेलिया, मतलब बोगनवेलिया के पॉट में लग गया। अब ये लगा कैसे, उसके बगल में मधुमालती का प्लांट रखा था, कहीं मतलब उसकी लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं तो कहीं एक टहनी दब गई होगी मिट्टी के अंदर, तो इस तरह से वो ग्रोथ कर गई और ये काफ़ी अच्छा प्लांट निकल आया। पिछले साल यही छोटा था, खूब ग्रीन था, काफ़ी अच्छा था। अब देखिए समर सीजन शुरू हो गया, इसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। देखिए हालाँकि ये मैंने अभी पॉट से निकाला है तो इसकी पत्तियाँ थोड़ा लटकी है, मरी मरी से हैं, लेकिन ये अभी कुछ शाम तक ठीक हो जाएगा। इसमें पानी पानी सब अच्छे से देंगे तो ये प्लांट अच्छा हो जाएगा। मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दिया है, और इसकी ग्रोथ के लिए मैंने इसमें जो है पोटास और वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा डीएपी डाला है। डीएपी मैंने इसीलिए डाला है कि ताकि इसकी रूट अच्छी और हो सके, और इस नाइट्रोजन मिलता है उससे, और थोड़ा सा मैं गोबर की खाद भी दे दूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा एक दो दिन रुक के दूँगी। अभी मैंने बहुत सारी इसमें तीन खादें डाली हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो और इसमें फ्लावरिंग हो सके। समर सीजन का ये प्लांट होता है तो इस समय ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अच्छा, लास्ट में इसमें करना क्या, हाँ पानी की बात कर रहे थे तो पानी डाल दे पहले इसमें, तो इसको थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर मिला के पानी में तब देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मिलाना है फंगीसाइड पाउडर, इस तरह से मिला देना है, और एक पतली सी डंडी ऐसे ले लेंगे और इसको थोड़ा सा चला देंगे, क्योंकि नीचे बैठ जाता है ना। फंगीसाइड का पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई फंगल ना लगे और जो है पानी अच्छे से चला जाए। फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये तो आप सभी को पता है, मैंने कई बार बताया है, और ये एडेनियम प्लांट में काफ़ी अच्छा काम करता है, लमसम सभी प्लांटों में करता है। तो आपको मैं आगे वीडियो में भी बताऊँगी मधुमालती की जो है आपको कैसे फरवरी महीने में तैयार करना है, वो सारी चीज़ें मैं जो है आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आज मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि ये मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट निकल आया, अभी इसको फेंका तो जा नहीं रहा था मुझसे, तो मैंने सोचा किसी गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा तो इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। अभी ये छोटा है तो छोटे गमले में ही सही लग रहा है। जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसकी रूट्स बढ़ेंगी और प्लांट ग्रोथ करेगा, तो मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। अभी तो ये फ़िलहाल आप देख ही सकते हैं, मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया है, और अभी इसमें बहुत सारी ग्रोथ होगी, जब ग्रोथ होगी तो इसमें फ्लावरिंग भी थोड़ी थोड़ी होने लगेगी, तब इसको बड़ा हम पॉट देंगे, तब इसको जो है फिर से रिपोर्टिंग करेंगे, फिर से यही प्रोसीजर करेंगे इसमें। और फरवरी महीने में मधुमालती के प्लांट में क्या करना है, कैसे उस पर काम करेंगे जो फ्लावरिंग अच्छी दे समर सीजन में, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि ये प्लांट मैंने रिपोर्टिंग किया है, इसकी प्रूनिंग किया है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन जो है वो अलग में करके दिखाऊंगी पूरा प्रोसीजर कि फरवरी महीने में मधुमालती को कैसे तैयार करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। तो आज मैंने आप लोगों को जो एक्स्ट्रा प्लांट निकल आते हैं उनको बताया कैसे रिपोर्टिंग करना है मधुमालती का। मेरे पास था बहुत सारे प्लांटों की मैंने किया है, लेकिन जो है मधुमालती का आपको दिखाना था, क्योंकि इस सीज़न में जैसे फरवरी महीना शुरू होता है, समर सीजन वाले प्लांट जितने भी होते हैं सबकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर आपके प्लांट में भी इस तरह से कोई प्लांट निकल आता है एक्स्ट्रा, या कटिंग कहीं से लग जाती है, प्लांट तैयार हो जाता है, तो उसको फेंके ना, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दें और उसकी ग्रोथ देखेंगे अच्छी होगी, आपके पास ढेरों प्लांट बन जाएंगे, बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे, और फिर हमें ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा,
क्योंकि प्लांट तो बहुत महंगे मिलते हैं, नर्सरी में जाओ तो एक एक प्लांट इतने महंगे मिलते हैं कुछ कहने को नहीं। बहुत सारे लोग ले भी लेते, बहुत सारे लोग नहीं ले पाते। जो लोग नहीं ले पाते उनको मैंने उपाय बताया है क्या करना है, कैसे तैयार करना है, और मैं इस सीज़न में भी आप लोगों को बताती रहूँगी। आगे बहुत सारे वीडियोज़ मेरे आएँगे, कटिंग्स पर आएँगे, और फरवरी महीने में बहुत सारे प्लांट होते हैं जो नर्सरी से लेना पड़ता है, या लीजिए ना लीजिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कुछ प्लांटों की शॉपिंग भी मैं करूंगी, और मधुमालती को कैसे तैयार करना है वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताती रहूंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।